हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द टॉपिक एक्स्ट्रानेट फ्रॉम द ई कॉमर्स। वी विल डिस्कस अबाउट एक्स्ट्रानेट, स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रानेट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एक्स्ट्रानेट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रानेट एंड डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में इंटरनेट और इंट्रानेट को डिफाइन करा था। एक्स्ट्रानेट इज़ व्हाट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंट्रानेट और इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क विच इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दैट पार्ट अ प्राइवेटली पार्ट इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज एन एक्स्ट्रानेट इज कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क अलाउइंग इट अलाउज टू हूम इट अलाउ कस्टमर पार्टनर्स वेंडर सप्लायर एंड अदर बिजनेसेस फॉर वॉट टू गेन द इंफॉर्मेशन टिपिकली अबाउट अ स्पेसिफिक कंपनी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इट कैन डू लॉट ऑफ डेटा ट्रांसफर लॉट ऑफ डेटा ट्रांसफर प्राइवेटली। You can say an extranet is the private part of website which will be accessed only by some authorized person. The following are the important characteristic of extranet. These are some characteristics that internet extended internet private business network located outside of the corporate firewall. It can be referred to an intranet that is partially accessed to authorized outsiders. Authorized outsider can also access it, but with permission. It is a network that uses the internet to link businesses with others that share the common goals. And it is used for exchanging the large amount of data by using the EDI. Share product catalog exclusively with wholesaler और those in the trade. That means कि ये जो भी trades में जो business partners हैं सिर्फ उनके बीच में ये information share करने के लिए extranet का use करा जाता है। public network नहीं है, पूरी तरीके से private network है। This is the structure of extranet. अब extranet का structure अगर आप ध्यान से देखें कि आपकी company है उसमें आपने जो नेटवर्क बना रखा है एक नेटवर्क उनके लिए है विच इज़ यूज बाई ऑल दैट इज़ नोन एज पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, और एक उसमें आपने और बना रखा है प्राइवेट इंटरनेट। तो जो प्राइवेट इंटरनेट है दैट इज़ यूज बाई द फील्ड एम्प्लॉयज एंड फील्ड एम्प्लॉयज यू कैन यूज़ पब्लिक इंटरनेट और प्राइवेट इंटरनेट। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रानेट बाई यूज मतलब अब उसको क्या करना है जो इंट्रानेट है उसी को प्राइवेट और पब्लिक कर दिया यानी कि इंट्रानेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो इंट्रानेट जो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय और एक प्राइवेट इंट्रानेट कर दिया है जिसको सिर्फ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ ही यूज़ कर सकेंगे तो उसको यहाँ पर कहा गया एक्स्ट्रानेट। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज these are some extranet development tools. These are used to design server, client-based security, e-commerce application and e-catalog. Extranet hosting and network connectivity. This is another product to establish the extranet. That is, it is used to provide secure internet service provider connection. And VPN. The extranet use VPN. VPN is what? Virtual private network. A VPN works by routing your device's internet connection through your chosen VPN's private server. It is a private server. No one can easily hack your server. It is very good for security purpose. You can use VPN for your entire business networks so that when your data is transmitted to the internet, it comes from the VPN rather than your computer. So no one can easily locate your computer while using the VPN. The VPN by using the VPN you can safely transfer or communicate the data
which is related to the businesses. So these are some extranet products and services. These are advantages and disadvantages of extranet. Just note down the advantages and disadvantages of extranet from the given slide. This is the intranet and extranet differences. अगर आपको वेन डायग्राम का आइडिया होगा तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ये दोनों सर्कल मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो दो बड़े एरिया कवर कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयज कोलेबरेशन और एक पार्टनर कोलेबरेशन. तो फॉर एम्प्लॉयज़ और फॉर पार्टनर एंड सेलेक्टेड पार्टनर्स ओनली इन इंट्रानेट द ऑल द कंटेंट मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ऑल दिस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर and transmit the document. But in extranet, a special employee, a special partners or authorized, you can say authorized employee or partner can transfer the data. From the given slide, just note down the difference between intranet and extranet, and these differences are on the basis of user type, usage, security regulated by who is regulated intranet and extranet, and on the behalf of ownership. ANE, that is isko ANX bhi kehte hain, the largest extranet automotive network exchange. This is set up by the automakers, automobile companies like Ford and Chrysler. These types of companies set up a automotive network to share their manufacturing detail, the design detail, the price detail, the shipping module, the processing detail, all these types of detail. ANX is a private network for automobile industry in 1995. ANX provides the consistent, reliable speed and guaranteed security for data transmission between automakers and their suppliers. The ANX network allows trading partners to collaborate electronically. ANX is used for process order and facilitate just in time. JIT we already discussed in previous lecture. Just in time manufacturing and post shipping schedules. In 1999, the Automotive Industry Action Group sold the ANX network to SAC, Science Application International Corporation. And after that, the 3500 plus company joined the ANX and network, making it one of the largest extranet in the world. Now this is your automotive network exchange. It is a private network basically and world largest network nowadays for exchanging the information of supplier and automobile details and all these things. And this is the business detail of automatic network exchange. That means with the help of automotive network exchange, the companies earn $1 billion a year for the industry. The network's EDI elements alone, sirf EDI ka jo element hai, ek is pure network ka ek chhota sa element hai EDI. Isi tarah se isme bahut sari cheeze included, jaise cat cam, file transfer, और EDI, ईमेल, ग्रुपवेयर. तो उसमें जो सिर्फ EDI है वो $71 पर कार, ईच कार वो अपने लिए इसको डिज़ाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए यूज़ करता है. और वो सेव करता है एक एलिमेंट इसका $1 billion अ ईयर फॉर द इंडस्ट्री. इट इज़ वेरी बिग नेटवर्क एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्स्ट्रानेट. दैट्स इट. थैंक यू.